हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया केस लेकर के आया हूँ, एक जजमेंट जिस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर मामलों में होता है और इस पर रिसेंटली अभी मैंने कुछ वीडियो भी बनाए थे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर और अभी ये जजमेंट भी सेम यही कहता है। यानी कि जब आप दोनों पार्टीज के बीच में मतभेद होते हैं और आप लोग म्यूचुअल के लिए एग्री हो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हुए आप बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं जिनका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है और कई बार तो डाइवोर्स हो जाने के बाद भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों के भी विवाद चल रहे हैं और वो समझते हैं कि उनका सेटलमेंट बन रहा है या बनने वाला है या आगे भविष्य में कभी बन जाएगा, तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए मैट्रिमोनियल विवादों में अधिकतर यही होता है कि कुछ समय तक मुकदमे लड़ने के बाद में पार्टियां सेटलमेंट पे पहुंचती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेटलमेंट के नाम पर भी आपसे धोखा हो सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। जब आप फंस जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। इसके अलावा कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि हमारी जो पत्नी है वो कमाऊ है, अर्निंग है, तो हमें उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, और जो कि कानून भी कहता है। तो इस पर भी इस जजमेंट में प्रकाश डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइफ थी वो वेल अर्निंग थी और उसके बाद कोर्ट ने किस तरह से इस चीज को एंटरटेन किया। साथ ही क्या पति को सावधानी रखनी चाहिए थी म्यूचुअल डाइवोर्स के समय पे और उसने नहीं रखी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आपसे कहना चाहूंगा यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हर रोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों पहले पूरे मामले को समझते हैं। 1997 में दोनों की शादी हुई। वाइफ का कहना था जो उसका हस्बैंड है वो उस पर क्रुएल्टी कर रहा है, जिसकी वजह से 99 में वो अलग चली गई। उसके बाद उसका कहना था कि हस्बैंड ने उसको वापस नहीं लिया तो पुलिस की हेल्प से उसने अपने मैट्रिमोनियल होम में एंट्री करी और फिर 2007 में उन्होंने इच्छा जताई कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। अब उन्होंने म्यूचुअल डाइवोर्स के पेपर तैयार करे और जो पत्नी थी उसने म्यूचुअल डाइवोर्स के सभी पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। पति का ये कहना था कि वो ये पेपर वर्क पूरा होने के बाद, यानी डिग्री मिलने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा और फाइनली 25 अक्टूबर 2007 को डाइवोर्स की डिग्री पारित हो गई। इसके बाद भी, यानी म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री पारित होने के बाद भी, जो पति था वो पत्नी के पास आता रहा, जो उसका अपार्टमेंट था वहां पर आता रहा और यहां तक कि फिजिकल रिलेशन भी उन दोनों के बीच में रहे। लेकिन एकाएक सितंबर 2012 से पति ने वहां पर आना बंद कर दिया और जो खर्चा वगैरह वो अपनी पत्नी को देता होगा वो भी उसने बंद कर दिया। अब पत्नी ने यहां पर यह बोला कि जो हमारे बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ था उसमें खर्चे का प्रोविजन कहीं पर नहीं था, तो अभी उसको खर्चा चाहिए क्योंकि उसके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि वो उसकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत कर सके और जो पति है उस पर सफिशियंट साधन है। तो यहां पर म्यूचुअल डाइवोर्स के बाद भी उसने 125 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल कर दी। अब जो पति था उसने अपने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया जो भी 125 में पत्नी ने पति पर लगाए थे और साथ ही ये कहा कि वो साइकोलॉजिकली इल है और उसको कई बार वो डॉक्टर के पास भी लेकर के गया है और उसके इस इलनेस की वजह से जो मैरिज है वो कंज्यूमेट भी नहीं हो पाई और उसने सेक्शन 12 का जो पिटीशन थी वो अपनी तरफ से फाइल कर दी। और पति 2011 में दूसरी शादी भी कर चुका था। अब फैमिली कोर्ट ने ये देखा कि भाई ये तो म्यूचुअल डाइवोर्स के समय अपना मेंटेनेंस का राइट छोड़ चुकी है तो अभी ये क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। फिर साथ ही साथ ये देखा गया कि जो पत्नी है वो वेल अर्निंग है, पति ने बताया था कि उसका अपना एक ब्यूटी पार्लर है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, वहां पर उसके अपने क्लाइंट भी हैं और साथ ही साथ वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराती है तो उससे वो अच्छी अर्निंग करती है और उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो फैमिली कोर्ट ने फिर भी ये सारी चीजें देखते हुए माना कि जो पत्नी है वो जो ब्यूटी पार्लर का काम है उससे इतना नहीं कमाती जितना कि पति कमाता है और पति का जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती और मेंटेनेंस बांध दिया गया 15,000 रुपए। अब इसके विरुद्ध जो पति था वो हाईकोर्ट में आया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को ऑब्जर्व किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही माना कि जो पत्नी है वो ब्यूटी पार्लर चलाती है लेकिन आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है और ब्यूटी पार्लर का जो काम है वो सीजनल होता है, तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि पति जिस लाइफ स्टैंडर्ड में लाइफ स्टाइल में रहता है उसी लाइफ स्टाइल में जो है पत्नी भी रह रही है, उसका लाइफ स्टाइल बहुत कम है, इसलिए जो पति है उसको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। लेकिन फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस ज्यादा बांध दिया है, 15,000 की जगह बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे 12,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। यानी कुल मिला के बात यह हुई, पत्नी अर्निंग कर रही थी, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें थी, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने माना कि लाइफ स्टाइल का जो डिफरेंस है उसकी वजह से पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दूसरी चीज, म्यूचुअल डाइवोर्स हो चुका था उसके बाद उसने मेंटेनेंस क्लेम किया, तो यहां पर सीधी सी बात आती है कि म्यूचुअल डाइवोर्स जब हुआ होगा उसमें मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं हुए होंगे या फिर सही से नहीं हुए होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता था, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती थी।
तो आप लोग भी म्यूचुअल डाइवोर्स करते हुए इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल ना करें। जो भी आपका म्यूचुअल डाइवोर्स का ड्राफ्ट रेडी होता है उस ड्राफ्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लें और किसी लीगल प्रोफेशनल से भी उसको रिव्यू करवा लें, उसको एडिट करवा लें, और एक दो लोगों को जो भी आपके वकील साहब हों उनको दिखा लें और फर्स्ट सेकंड थर्ड ओपिनियन उसमें रखें। जो भी एडिटिंग होनी है वो सारी एडिटिंग करें, जो पॉइंट्स आप उसमें ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करें, जो पॉइंट आपको गलत लगते हैं उसको हटा दें, और उसके बाद ही म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करें। जल्दबाजी में म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन खुश होकर के फाइल मत करें कि आपकी जान छूट रही है, आपकी जान छूटने की बजाय और फंस भी सकती है, और म्यूचुअल डाइवोर्स होने के बाद भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ करके पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।